This module explains what is meant by a financial market and what are the various financial institutions and how basically this entire system operates. So financial market and institutions ko samajhne ke liye system operate karti It is important to understand it in terms of a flow chart, which I'm go just going to show you. But basically, firstly, we need to identify who are the components of a financial system. सो फाइनेंशियल मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस मिल के एक फ़ाइनेंशियल सिस्टम को बनाती हैं और फाइनेंशियल सिस्टम में जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं ऑफ़ अ फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज़ फ़ाइनेंशियल मार्केट्स जिधर आप कोई स्टॉक्स को बॉन्ड्स को शेयर्स को ख़रीद और फरोख्त कर सकते हैं देन वी हैव गॉट द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन विच वी कंसिडर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ वो इंस्टीट्यूशंस जो कि पैसे की डिफरेंट फॉर्म्स के साथ डील करते हैं मगर वो बैंक नहीं कहलाते नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहलाते हैं सो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ और बैंक्स को मिला के हम कलेक्टिवली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ बोलते हैं सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ एक अहम कॉम्पोनेट है फाइनेंशियल सिस्टम का सो फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स हैं मार्केट्स का मतलब है वो जगह जहां आप स्टॉक्स को बॉन्ड्स को ख़रीद और फरोख्त कर सकते हैं फिर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिस तरह से बैंक है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और फिर तीसरी अहम जो कॉम्पोनेंट है फॉर फाइनेंशियल सिस्टम इज़ दैट वी हैव टू कंसिडर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बॉन्ड ले लेते हैं या आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो एक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या सरकार आपको एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड देती है बोलती है ये आप ले लें चालीस हज़ार का पचास हज़ार का और इसके ऊपर हम आपको uh, तीन महीने के बाद या छः महीने के बाद या एक साल के बाद इतना सूद देंगे सो दे आर दो बॉन्ड्स और दो सर्टिफिकेट्स आर नोन एज द फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंटरमीडियट के अलावा फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट बेसिकली क्या काम करती है वो रेगुलेट करती है इस पूरे निज़ाम को कि ताकि लोगों को उनकी वेलफेयर को मैक्सिमाइज करें उनको सहूलत पहुँचाएँ और कोई एक खास तबके को, को बहुत ज़्यादा फायदा और एक खास तबके को, को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो हकूमत डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू ऑपरेट करती है फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट दिस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ फंडस सो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे एक साइड पे सरप्लस यूनिट्स हैं दूसरे साइड पे डेफिसिट यूनिट्स हैं सरप्लस यूनिट्स का मतलब है कि वो यूनिट्स इट कैन बी अ फर्म इट कैन बी हाउस होल्ड जिसके पास अपनी जरूरत से ज़्यादा फंडस पड़े हुए हैं तो हम उनको सरप्लस यूनिट्स बोल रहे हैं और ऑन द अदर हैंड हम देख सकते हैं देर कुड बी हाउस होल्ड्स और फर्म्स जिनके पास अपनी ज़रूरत से कम पैसे हैं सो so, बेसिकली इन दोनों कॉम्पोनेट्स को कनेक्ट करने के लिए वी हैव फाइनेंशियल मार्केट्स दैट इज गिवन एट द टॉप एंड देन वी हैव कॉट द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट इज गिवन इन द बॉटम ऑफ दिस फ्लो तो फ्लो ऑफ फंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि जब सरप्लस यूनिट्स वो यूनिट्स हाउस होल्ड या फर्म्स जिनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा पड़ा है वो उस पैसे की मदद से फ़ाइनेंशियल मार्केट में जाके कोई बॉन्ड्स को या शेयर्स को बाय कर सकते हैं और इसी तरह से अपनी जो एक्स्ट्रा मनी है वो उठा के बैंक में डाल सकते हैं तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएज में या इंश्योरेंस बाय कर ली या उन्होंने कोई म्यूचुअल फ़ंड्स में पैसे डाल दिए तो अभी सरप्लस फ़ंड से आप देख सकते हैं एरोहेड्स फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं इसी तरह डेफिसिट यूनिट में जब उनको डेफिसिट यूनिट्स का मतलब है वो हाउस या वो फर्म्स जिनके पास अपने ज़रूरत के लिए पैसे कम हैं और उनको मज़ीद पैसे चाहिए तो उसके लिए वो बोरो करेंगे या उस उनके पास कोई ऐसी सोर्सेज ऑफ मनी चाहिए जिसकी मदद मतलब से वो अपने वो जो डेफिसिट है उसको मीट कर सके तो उसके लिए दे कैन गेट द मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स And they can get the money from the financial intermediaries also. So you can see that the arrowheads are now flowing from the market and the intermediaries towards the deficit units. This the markets and the financial intermediaries can interact between each other as well. So you can see that markets and intermediaries may be arrowheads, ko mil rahe hai, jo ke markets and financial markets or financial intermediaries, ko ek कनेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी मार्केट से डायरेक्टली जाके कोई शेयर्स को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उनसे कोई फंड को बाय या परचेज सेलिंग या परचेज कर सकते हैं सो दिस इज़ हाउ द फ्लो ऑफ द फंड्स टेक प्लेस बिटवीन द वेरियस फोर एक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम सो टूगैदर दीज फोर यूनिट्स हेल्प आस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द फंडस फ्लो अमांग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सो फाइनेंशियल मार्किट्स के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जब हम फाइनेंशियल मार्किट की फंक्शंस को ऑपरेट करते हुए देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक तो वो रिसोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर स्पेस में स्पेस का मतलब है कि uh, आपने हाउस uh, होल्ड हो के किसी बैंक से पैसे बोरो किए अपने घर को बनाने के लिए या आपने अपनी एजुकेशन के लिए कोई फ़ंड्स बौो किए हैं इसी तरह से बैंक जो है वो ट्रांसफ़र करी है फ़ंड्स को फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्ट किया है कोई सामान तो आपको पेमेंट करनी है या आपने एक्सपोर्ट किया है कोई कोई अपने मटेरियल को तो आपने पेमेंट करनी है तो देन द ट्रांसफ़र ऑफ द फंड्स विल टेक प्लेस थ्रू अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी So, uh, uh, एक तो स्पेस में है दूसरा आप ओवर टाइम कर सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो मेरा रिटर्न जो भी डिफाइंड है माकअप है वो मुझे आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड प्रॉमिस किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वो मुझे रिटर्न करेगा तो हमने बोला कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हो रही है ओवर टाइम भी और ओवर स्पेस भी स्पेस का मतलब है फ्रॉम वन प्लेस टू एन दैन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो परफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ मैनेजिंग और हैंडलिंग द रिस्क सो जैसे हमने डिस्कस किया शुरू में कि जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो इट इज़ सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी तो मुख्तु तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जो भी आप फाइनेंश जब आप फाइनेंसिस के साथ में डील करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस आपको मदद देते हैं कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको मीनिमाइज कर सकते हैं तीसरा आपको फ़ायदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या पहुँचाते हैं या क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं दैट दे आर दे बेसिकली हेल्प यू इन क्लियरिंग एंड सेटलिंग द पेमेंट्स कोई भी आपने ट्रेड करना है जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था कि जब हमने पेमेंट करनी है किसी को और वो जो दूसरी पार्टी है वो किसी और शहर में बैठी हुई है या किसी और मुल्क में बैठी हुई है तो आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास या बैंक के पास जाएंगे और वो आपको क्लियरिंग करने में फैसिलिटेट करेगा आपने जो भी आपने सेटलमेंट करनी है लेन देन होगा पैसों का उसमें आपको सिक्योर सिक्योर तरीके से अपनी रिस्क को मिनिमाइज करके आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अप कर सकते हैं सेटल कर सकते हैं फिर एक और अहम जो रोल प्ले करती हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ या पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हमें क्या सहूलत करता है पहुँचाता है वो पूल करता है रिसोर्स को और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने एक बहुत बड़ा कारखाना सेटअप करना है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप वो उस बहुत बड़े कारखाने को लें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इफ़ यू वांट टू हैव एन एयरलाइन ऑफ़ योर ओन आपने ख़ुद की एयरलाइन बनानी है तो आपके पास इतने पैसे नहीं हो सकते जिसकी मदद से आप अपनी एक एयरलाइन सेटअप करें अगर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको बोरो करनी पड़ेगी मनी फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़ और वो एग्जैक्टली exactly वो वो वाले पार्टीज़ कैसे आपको मिलेंगे जिनके पास इतनी सरप्लस मनी हो और वो एयरलाइन में इन्वेस्ट भी करना चाहें तो दैट कैन बी मेड ईजी थ्रू अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास जाएंगे या बैंक के पास जाएंगे और उनको अपना ये ऑब्जेक्टिव uh, बताएंगे तो दे विल फैसिलिटेट यू सो दे रिसोर्सेज फॉर यू एंड दे कैन हेल्प यू विद प्रोवाइडिंग फंड्स और द रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स वॉट एवर यू आर इन नीड ऑफ

uh relevant to different types of financial decision making and another important thing is that if you um, they are basically they are they also deal with incentive problems that um, that that can also facilitate you in making better decision making. So these are the major functions that are performed by the financial markets and institutions.